क्या करना है आपको, किसी भी दो एंगल को जोड़ के और बटे दो करना है, और वो तीसरा वाला एंगल जो है वो आना चाहिए। 3x यहाँ है और 1x यहाँ है, 3 और 1 4 बटे 2 करेंगे तो ये आ जा रहा है, ठीक है। अगर इसको इसको अगर ऐड करेंगे तो 3 2 5 और 5x बटे 2 करेंगे तो ये x तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो कम से कम ये दोनों करने से तो आ रहा है, यानी कि हम क्या करेंगे कि साइन 3x को एक लेंगे और एक माइनस साइन एक्स में फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, और बाकी इधर बच गया साइन 2x। अब इसमें क्या करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी, और इसका फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, 3 एक 4 बटे 2 करेंगे 2x बचेगा, और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, 3 में से एक चला गया 2 बचा 2 बटे 2 मीन्स एक्स, और एक इधर है साइन 2x। तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ साइन 2x की जगह में साइन 2a का फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को याद होगा खूब अच्छे से कि साइन 2a का फॉर्मूला था 2 साइन a इंटू कॉस a, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है, उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू साइन एक्स हो जाएगा और इंटू में फिर से यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा। अब अगर देखें तो 2 इंटू साइन एक्स ये कॉमन आ रहा है, तो 2 इंटू साइन एक्स हम लोगों को कॉमन कर लेना है, यहाँ पर बच गया कॉस 2x और प्लस वहां पर बच गया केवल कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर cos c plus cos d का फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है, यहाँ बच गया 2 sin x into cos c plus cos d, ये क्या होगा 2 into cos c plus d by 2, तो 2 एक 3 और 3x बटे 2, c plus d करेंगे 3x होगा और बटे 2 तो फॉर्मूला में है, into cos c minus d by 2, 2x में से एक x चला गया केवल x बचा और x बटे 2 कर देंगे क्योंकि c minus d by 2 होता है, ये हो गया। अब देखने पर तो 2 × 4 यहाँ हो गया, इंटू में साइन एक्स यहाँ हो गया और कॉस एक्स बाई 2 यहाँ है, इंटू में कॉस एक्स बाई 2 यहाँ है और इंटू में एक और है कॉस 3x बाई 2, और यही चीज हमारा आर एच एस है, बिल्कुल हो चुका है, ठीक है। नोट कीजिए,